हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन वीडियो सीरीज़ में। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्टिफाइड वायरलेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको हम CWNA भी बोलते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम सीरीज़ है जो कि CWNP की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में जो है आपके बेसिक वायरलेस से लेके आपके एडवांस वायरलेस तक के टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड टेक्नोलॉजीज, एंटीना के कॉन्सेप्ट्स, वायरलेस लैन के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, 802.11 नेटवर्क आर्किटेक्चर, वायरलेस लैन सिक्योरिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। इस एग्ज़ाम का जो कॉस्ट होता है वो $175 US है, एंड ये पियर्सन के टेस्टिंग सेंटर में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसकी ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स की, और इसमें 60 क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस के आपके आते हैं, ठीक। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें इस जो कोर्स के जो हम वीडियो कोर्स लेकर आए हैं उसके कंटेंट क्या क्या रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू WLAN स्टैंडर्ड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि WLAN के स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैसे काम करती हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं इसमें। और उसके बाद आपके पास आएगा RF फंडामेंटल एंड मैथ्स, RF के जो फंडामेंटल बेसिक्स फंडामेंटल हैं वो आपको बताएंगे, और उसके पीछे की मैथ्स कैसे कैलकुलेशन की जाती है, DBM क्या होता है, DBI क्या होता है, ये सब कवर होगा। उसके बाद एंटीना कवर होगा इसमें, और इस रेगुलेटरी डोमेन्स क्या होते हैं, वायरलेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने पिछले अपने वीडियो सीरीज में बताया था वायरलेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में APs होते हैं, एक्सेस पॉइंट होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, तो वो हम डिटेल में इसको अब स्टडी करेंगे। तो 802.11 के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं वो भी आपको डिस्कस करेंगे, POE क्या होता है, मैक एंड फाइल लेयर क्या होते हैं, तो ये सब कंटेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। तो इस कोर्स को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वायरलेस स्टफ, आपको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि यू नो OSI मॉडल, TCP मॉडल, IP एड्रेसिंग क्या होती है, ये सब के बारे में आइडिया होना चाहिए, और PC का हार्डवेयर और उसके ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम और ये सब पता होना चाहिए। और आप हमारी पिछली वीडियो सीरीज में भी RF फंडामेंटल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये रही इसकी प्री रिक्वेस्टीज, और तो इस एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या क्या रहेंगे। तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी है जो सब्जेक्ट एरिया, वो 21% कवर रहेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद 802.11 रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, आपका 12% एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से आएंगे। प्रोटोकॉल एंड डिवाइस के बारे में 14% आपको पूछा जाएगा, एंड उसमें आपके नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन भी रहते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाएगी, और RF साइट सर्वे भी आएगा 16%। तो टोटल मिला के 100% हो जाता है। और इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो CWNP.com पे आप लॉग इन कर सकते हैं, और वहां से आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो जो चैप्टर वन है हमारा इंट्रोडक्शन टू WLAN स्टैंडर्ड, तो चलिए चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वाईफाई की ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, वाईफाई के स्टैंडर्ड अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, 802.1x क्या होता है, नेटवर्किंग मॉडल्स क्या होते हैं, एक्सेस मोड क्या होता है, P2P कनेक्टिविटी क्या होती है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस क्या होता है। तो ये बेसिकली ये सारे की पॉइंट्स जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वायरलेस स्टैंडर्ड चैप्टर वन में। तो चलिए शुरू करते हैं वाईफाई ऑर्गेनाइजेशन से। तो चलिए बात करते हैं वाईफाई ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वाईफाई ऑर्गेनाइजेशन में एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है IEEE, वाईफाई अलायंस और लोकल रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये बेसिकली होती क्या है, इनका काम बेसिकली होता है सर्टिफाइड द वायरलेस प्रोडक्ट, ये वायरलेस जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सर्टिफाइड करती हैं, ये रेगुलेशंस डिफाइन करती हैं, और तीसरा ये स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं। तो व्हाट आई मीन बाय दीज थ्री थिंग इज, उससे हमको ये पता चलेगा कि जो IEEE होती है वो हमारे प्रोटोकॉल डेवलप करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया गया। सो IEEE इज एन इंजीनियरिंग एसोसिएशन विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है जो कि डेवलप करती है प्रोटोकॉल वायरलेस के। सो जैसे इन्होंने 802.11
जो आपका वाईफाई का प्रोटोकॉल है वो डेवलप किया। उसके बाद इन्होंने ब्लूटूथ का 802.15 जो है वो प्रोटोकॉल डेवलप किया। उसके बाद इन्होंने वायमैक्स किया। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल डेवलप करने का काम होता है ये IEEE करती है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट का जो इन्होंने किया था ये भी IEEE ने किया था। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोटोकॉल डेवलप करती है वो IEEE है। उसके बाद वाईफाई अलायंस, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपके जो वाईफाई के प्रोडक्ट हैं उनको सर्टिफाइड करती है। जैसे आपने कोई आपकी कंपनी है सैमसंग, आपने कोई वाईफाई फोन में आपने कोई वाईफाई चिप लगाई है, ठीक है। ये वाईफाई चिप दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है ये स्टैंडर्ड, और ये इसको सर्टिफाइड कर देगी वाईफाई अलायंस कंपनी कि हाँ आपका वायरलेस जो है वो वाईफाई से सर्टिफाइड है। तो जैसे ही ये वाईफाई से सर्टिफाइड हो जाएगा दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंटरऑपरेट होता है दूसरे वाईफाई प्रोडक्ट के साथ भी। तो ये वाईफाई अलायंस का काम होता है। तीसरा आता है हमारा लोकल रेगुलेटरी एजेंसी। तो लोकल रेगुलेटरी एजेंसी से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे कि आपका एक लोकल, ये तो आपकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आपकी बॉडीज हो गई, तो आपकी एक लोकल रेगुलेटरी बॉडी भी होती है जो आपके लोकल रूल डिफाइन करती है। सपोज कीजिए आपको कितनी पावर आप एक्सेस पॉइंट से जनरेट कर सकते हैं, या आप कितनी पावर जो है वो आप एक्सेस पॉइंट से बाहर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये रेगुलेट करना आपकी लोकल रेगुलेटरी एजेंसी का काम होता है, ठीक है। तो जैसे ईटी एसआई है ये आपकी यूरोप की लोकल अथॉरिटी है जो कि यूरोप में कितना पावर जो है ईआईआरपी कितना ब्रॉडकास्ट करना है कितना ट्रांसमिट करना है ये डिसाइड करती है ईटी एसआई। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड भी यूरोप में डिफाइन करती है। एफसीसी यूएस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि वहाँ के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीविजन कम्युनिकेशन है उनके रेगुलेशंस डिफाइन करती है। तो ये जो सारी बॉडीज हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बॉडी है जो वाईफाई को जो प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाइड करती है। तो अगर आप उसमें IEEE करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वाईफाई प्रोडक्ट सर्टिफाई करने के लिए वाईफाई अलायंस जो इंडिपेंडेंट वाईफाई जो अलायंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो इसको करती है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं वाईफाई अलायंस की थोड़ी सी डीप में। तो वाईफाई अलायंस का मिशन क्या है एक्चुअली, ये इन डेप्थ टेक्निकली क्या करती है। तो आप देखिए ये एक यहाँ पर मैंने एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया है जो कि वाईफाई अलायंस सर्टिफाइड करती है किसी प्रोडक्ट को। सपोज दिस इज अ टैबलेट, ये टैबलेट हो गया सैमसंग का सपोज, एंड हियर इसमें आपका एक वाईफाई कार्ड है, ठीक है। तो आप इसको पीछे कभी देखना, इसके स्पेसिफिकेशन में जाना तो उसमें कभी आपको देखने को मिलेगा दिस डिवाइस इज वाईफाई सर्टिफाइड, इस तरह का आपका एक लोगो बनेगा वाईफाई सर्टिफिकेट। आपने कभी लैपटॉप के पीछे भी देखा होगा ये बहुत बार। तो बेसिकली सर्टिफिकेट होता क्या है, इस सर्टिफिकेट में आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें जैसे आपकी कनेक्टिविटी दिखाई होती है कि आप ये कनेक्टिविटी किस क्या क्या कनेक्टिविटी है इसकी, सिक्योरिटी क्या क्या रहेगी इसमें, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज़ हो सकती है, या इसकी ऑप्टिमाइजेशन में पावर सेव मोड है या नहीं है, या WMM है या नहीं है। तो चलिए हम एक सर्टिफिकेट को रीड आउट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी डिवाइस का सर्टिफिकेट है, ठीक है। वो डिवाइस जो है वो ये स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है 802.11a, b, g और n। ये 5 GHz सपोर्ट करता है, 2.4 GHz सपोर्ट करता है, 11n भी सपोर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड दिखा दिए इसमें कि कनेक्टिविटी इसकी a, b, g, n से है, ठीक है। उसके बाद इसकी सर्टिफिकेट की डेट दिखा दी कि ये सर्टिफिकेट कौन सी डेट को बना है, ठीक है, 13 सितंबर 2012।
कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, कंपनी का नाम दिखाया होगा, उसके बाद प्रोडक्ट कौन सा है ये और उसका मॉडल कौन सा रहेगा, ठीक है, और फिर कैटेगरी क्या रहेगी, ये स्मार्टफोन में आता है या टैबलेट्स में आता है या लैपटॉप की उसमें आता है या हैंडहेल्ड डिवाइसेस में आता है, तो ये यहाँ पे उसकी कैटेगरी दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो इसमें जो अगर ये डुअल बैंड है या अगर ये 11N है, तो कितनी स्पेशल स्ट्रीम्स इसमें टेस्ट की गई हैं, डुअल बैंड सेलेक्टेबल 2.4 एंड 5 GHz, ट्रांसमिट की 1 स्ट्रीम थी और रिसीविंग की भी 1 स्ट्रीम है, 2.4 GHz में और 5 GHz में 1-1 है, तो ये सिंगल स्ट्रीम है, इसमें ये सर्टिफिकेट दिखाया गया है इसमें सर्टिफिकेट में। उसके बाद 802.11n की कैपेबिलिटी दिखा रखी है कि 40 MHz ये सपोर्ट करता है ऑपरेशन इन 5 GHz में, अच्छा इसमें शॉर्ट गार्ड इंटरवल सपोर्ट करता है। उसके बाद सिक्योरिटी में आ जाएंगे आप, सिक्योरिटी में दिखाता है ये WPA सपोर्ट करता है एंटरप्राइज एंड पर्सनल, WPA2 भी ये सपोर्ट करता है एंटरप्राइज एंड पर्सनल, और इसमें जो ईप ऑथेंटिकेशन होती है वो ईप TLS सपोर्ट होती है, ईप MSAP V2 होती है, पीप MSAP V2 भी होती है और पीप GTC भी होती है, और उसके बाद ये सिक्योरिटी का पार्ट था। अब इसमें मल्टीमीडिया भी सपोर्ट किया गया कि इसमें पावर सेव मोड है या नहीं है, मीरा कास्ट होता है इससे नहीं होता, और WMM सपोर्ट करता नहीं होता। मीरा कास्ट तो आपको इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, मीरा कास्ट में क्या होता है, आप फ़ोन से वायरलेस से आप अपने फ़ोन की कास्टिंग करते हैं दूसरी किसी स्मार्ट टीवी पे, उसमें अब आ जाइए फीचर सेट में, वो ये बता रखे कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप होता है, पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई को और वाईफाई डायरेक्ट, ये भी आपका स्ट्रीमिंग का एक फीचर है, तो ये सब फीचर्स इसमें लिस्टेड होते हैं इस सर्टिफिकेट के अंदर, और ये आफ्टर डूइंग सम टेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं वाईफाई अलायंस। तो मेन इसके जो मिशंस हैं वो मिशन इनके ये हैं कि ये प्रोवाइड करता है हाई इफेक्टिव कोलैबोरेशन, ये प्रोवाइड करता है ग्रोथ वाईफाई इंडस्ट्री को, और ये जो वाईफाई के जो स्टैंडर्ड है उन पे एक एग्रीमेंट साइन कर होता है, और ये आपके जो प्रोडक्ट है इनकी अच्छी तरह से थॉरो टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद जाके ये आपको सर्टिफाइड आपके प्रोडक्ट को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं IEEE के बारे में। तो IEEE में क्या रहता है, IEEE जो है आपके वायरलेस स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती आ रही है, इसमें दो चीज़ें होते हैं, इसमें अमेंडमेंट होते हैं और एक स्टैंडर्ड होते हैं। अमेंडमेंट्स वो होते हैं जो कि रेटिफाई होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं आपको एक बात करता हूँ 802.11 की, तो अगर ये 802.11 में प्रोटोकॉल बनाते हैं हम लोग और इसको आगे अमेंड करके फिर से हम 802.11 समथिंग ABG और कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो हम मैं 802.11 को अमेंडमेंट बोलता हूँ, ठीक है, कि ये अमेंडमेंट चलता रहता है जब तक आपका फाइनल स्टैंडर्ड नहीं बन जाता ये, तो जब तक कोई भी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड नहीं बन जाता तो उसको हम अमेंडमेंट बोल देते हैं। तो 1997 में 802.11 प्रोटोकॉल है वो डेवलप किया गया था, उसके बाद 1999 में ये अमेंड होके ये 802.11A बना और 802.11B बना, उसके बाद जून में 2003 में एक नया प्रोटोकॉल आया उसको बोलते हैं 802.11G, और इसी तरह से ये आगे फर्दर अमेंडमेंट होते गए, जो कि जून 2004 में 802.11I बना, उसके बाद 11E बनता है, उसके बाद 11N होता है, देन 11K, 11R, 11W और ये अप टू आपके 11AC तक जाते हैं। 2014 तक ये 11AC बना था और आज की डेट में 802.11AX अभी रिसर्च में है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने की ये है कि जो भी स्मॉल लेटर हैं वो सारे अमेंडमेंट हैं, ठीक है, जैसे 802.11E है स्मॉल ई, दैट इज अमेंडमेंट, और जो कैपिटल है दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो
स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ए कलेक्शन ऑफ आई ट्रिपल ई डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रेटिफाइड अमेंडमेंट सच एज 802.11 और 802.3। जो 802.11 है वो आपका स्टैंडर्ड है, जैसे 802.3 है इथरनेट का, तो ये आपके स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ 802.11 में और मैं उसको चेंज करके 802.11 AD बना देता हूँ, तो ये आपका अमेंडमेंट बन जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड है इसमें क्या क्या फीचर सेट हैं ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1999 में 802.11 ए स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था, और सॉरी 802.11 ए अमेंडमेंट आया था जिसको सपोर्ट किया जा रहा था OFDM से। OFDM एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें 5 GHz फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई थी और 64 Mbps मैक्सिमम स्पीड आपको मिल रही थी। उसी समय 802.11b स्टैंडर्ड भी आया जो कि HRDSS सपोर्ट करता था मॉड्यूलेशन टेक्निक, और 2.4 GHz पे ये सपोर्ट करता था और ये कंपैटिबल था DSS से, ठीक है। और इसमें 5.5 से 11 Mbps तक मैक्सिमम स्पीड आपकी आती थी। तो 802.11 जो है, जो पहले जो स्टैंडर्ड हुआ करता था 802.11, दैट वाज कंपैटिबल विद 802.11b, ठीक है। तो 802.11g का रिसर्च हुआ एंड वो सपोर्ट EIRP करता है, उसमें 2.4 GHz होती है, ये 11b के साथ कंपैटिबल हो जाता है और इसमें 54 Mbps तक स्पीड आपको मिल जाती है। तो कभी ने कभी आपने देखा होगा 802.11b/g लिखते हैं, तो दैट मींस दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद 802.11n आता है जिसमें हाई थ्रूपुट जो है वो OFDM टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो दोनों सपोर्ट करता है। 802.11a के साथ n लग जाता है और 802.11g के साथ भी n काम करता है और इसमें आप 600 Mbps तक स्पीड ले सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग से जो आपके अमेंडमेंट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड हैं। तो सबसे पहले AC की बात करते हैं। AC जो है वो आपका क्वाम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि आपको GBPS 1 GBPS तक स्पीड देता है प्रैक्टिकली। इसमें थियोरेटिकली 1.6 तक रहती है, बट प्रैक्टिकली इसमें 1 GBPS तक आपको स्पीड मिल जाती है। और 2017 में ये स्पीड आगे भी और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, अगर हम स्पेशल स्ट्रीम्स बढ़ा देते हैं तो हमें थ्रूपुट और ज़्यादा मिलती है। तो जो AD है इसमें भी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 GHz यूज़ होती है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में काम आती है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद AF आता है। AF स्टैंडर्ड होता है हमारा पावर का स्टैंडर्ड, कि जिसमें हम एक्सेस पॉइंट को पावर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका एक एक्सेस पॉइंट है, उसको आपने पावर से ऑन करना है, स्विच की पावर से ऑन करना है, तो वो AF स्टैंडर्ड का स्विच POE स्विच होना चाहिए जो कि आपको 15 वाट की पावर देता है। सो 802.11d क्या होता है, ये एडिशनल रेगुलेटरी डोमेन्स जो है वो लागू करता है और अपडेट करता है कंट्री के रीजन वाइज कि क्या क्या इसमें रेगुलेटरी डोमेन्स लगाए जा सकते हैं, क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 802.11e की, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन करता है कि आपको वायरलेस में QoS कैसे इम्प्लीमेंट करना है और QoS कैसे सपोर्ट करता है वायरलेस के अंदर, जो कि आपका वॉइस और वीडियो दोनों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ये प्रोटोकॉल। उसके बाद 802.11h आता है, जो कि 2003 में आया था, जो कि DFS फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन पे, डायनेमिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन पे काम करता है और इसमें ट्रांसमिट की जो पावर है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे रडार जो आपके आसपास जो रडार होते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है और चैनल को शट डाउन कर देता है, चैनल को मूव कर देता है या फिर AP को शट डाउन कर देता है ये उस एरिया में, और या फिर उसकी पावर को रेगुलेट करके उसको लो कर देता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है 802.11h होता है,
ठीक है, 802.11i जो होता है वो आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है, जिससे कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दिया जाता है 802.1x के साथ विद PSK। उसमें इनक्रिप्शन जो होता है वो AES और CCMP होता है, जो कि अब तक का वायरलेस में सबसे स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन अभी तक चल रहा है, जिसका कोई अब तक कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा, अभी तक तो कर नहीं पाया। तो ये जो इनकी एल्गोरिदम्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, AES CCMP की जो एल्गोरिदम है दैट इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमारे पास 802.11j आता है, जो कि फाई और मैक लेयर को इन्हेंस करता है। लाइक जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 802.11m में OFDM टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो वो 802.11j में उसको इन्हेंस करने के काम आता है। ये 2004 में रेटिफाइड हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास 802.11k आता है, जो कि रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ होता है, जो कि आपके एक्सेस पॉइंट की पावर को, ट्रांसमिट पावर को और चैनल को रेगुलेट करता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपका AP एक अगर यहाँ पर है और दूसरा एक यहाँ पर है, दोनों के चैनल वन वन पे है, तो ये ऑफकोर्स इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। बट जब RRM लग जाता है तो ये AP अपने आप अपनी चैनल को सिक्स कर देता है, और यहाँ पे वन, तो ये इंटरफेरेंस दोनों की ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एंड नेटवर्क मेजरमेंट एज वेल एज रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। 802.11p जो आपका है वो वायरलेस एक्सेस जो आप करते हैं उसको मूविंग कंडीशन में, मोबाइल कंडीशन में लेके आने के लिए, ये मोबाइल इन्वायरमेंट में लेके आने के लिए आपका यूज़ होता है। जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपका वाईफाई ट्रेन में, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, या कार में आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो वो जो मूविंग जो टेक्नोलॉजी के पीछे जो प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं हम 802.11p फॉर वायरलेस एक्सेस फॉर व्हीकल एनवायरनमेंट। सो ये एक अमेंडमेंट है। सो अगला प्रोटोकॉल आता है 802.11r, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फास्ट एंड सिक्योर रोमिंग मैकेनिज्म के लिए। जब आप एक AP पे कनेक्ट होते हो और आप मूव करके दूसरे AP पर जाते हो, तो विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी सिक्योरिटी कंसर्न आप दूसरे AP पर मूव कर जाते हो बहुत ही फास्ट ट्रांजिशन के साथ। तो उस वो प्रोटोकॉल जो होता है वो 802.11r होता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 802.11s, सो ये जो प्रोटोकॉल होता है 802.11s दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मैश नेटवर्किंग के काम आता है। जैसे आपका ये एक AP है और आपका ये AP इससे कनेक्टेड है, लॉजिकली इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द थ्री APs इज गिवन बाय 802.11s प्रोटोकॉल। तो ये जो 802.11s प्रोटोकॉल है ये मैश नेटवर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम 802.11u की बात करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका इंटर नेटवर्किंग के काम में आता है, जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ होता है। जैसे कि आपका हॉटस्पॉट है, जैसे आपका एक कोई एक हॉटस्पॉट है, जैसे कोई आपका टेलीकम्युनिकेशन का टावर है, आप वहाँ से कनेक्टेड हैं और उसके बाद आप एक वायरलेस से कनेक्ट हो जाते हैं आके, तो ये जो ट्रांजिशन है ये 802.11u के कारण से होता है। उसके बाद हमारा 802.11v आता है, जो कि वायरलेस नेटवर्क मैनेजमेंट के काम आता है, कि क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की होती है वो आपके डैशबोर्ड पे विजुअलाइज होती है, उसमें सारे क्लाइंट के मैनेजमेंट फ्रेम्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट मैनेजमेंट, तो ये सब है जो 11v करता है। लास्ट बस नॉट द लीस्ट 802.11w दैट इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग योर मैनेजमेंट फ्रेम, जो आपके मैनेजमेंट फ्रेम्स होते हैं बिटवीन APs एंड कंट्रोलर्स और जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, उन वो मैनेजमेंट फ्रेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसको हम 802.11w बोलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स और ये अमेंडमेंट्स और ये स्टैंडर्ड्स IEEE डिफाइन करता है, IEEE बनाता है। इसमें आज भी अमेंडमेंट होते हैं और आज होते रहेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट मार्केट में 2018 या 2019 में आएगा वो 802.11ax होगी, जो कि 11ac से
बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसकी स्पीड जो अराउंड 10 Mbps का इसका स्पीड रहेगा, जो कि एक नॉर्मल ईथरनेट पोर्ट के इक्वल रहता है। तो इस लेवल तक की स्पीड आपको वायरलेस में आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो नेक्स्ट आप चलिए बात करते हैं रेगुलेटरी डोमेन के बारे में। तो रेगुलेटरी डोमेन्स, जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 स्लाइड पहले बताया कि रेगुलेटरी डोमेन्स जो है आपके लोकल जो अथॉरिटी होती है वो आपके TX पावर को डिफाइन करती है कि कितना आपका पावर होना चाहिए, कितना DB का आप एंटेना यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली रेडियो कम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। तो FCC इज अ रेगुलेटरी डोमेन फॉर USA, इंडस्ट्री कनाडा इज फॉर कनाडा, MIC इज फॉर जापान एंड ETSI इज फॉर यूरोप। तो ये बेसिकली चार मेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये लोकल अथॉरिटीज हैं अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर। तो ये करती क्या है, सबसे पहले तो ये चैनल्स एंड बैंड डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2.4 GHz का बैंड लेंगे अगर, तो इस बैंड में टोटल 14 चैनल होते हैं जो कि जापान में 14 यूज़ करते हैं। अब US बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ 11 ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से लोकल रेगुलेटरी डोमेन अपने अपने चैनल डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो US में सिर्फ 2.4 GHz के 11 चैनल यूज़ होते हैं और जापान में 2.4 GHz के 14 चैनल यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसमिट पावर डिसाइड करती है। अब आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि जापान में मैं अगर 30 dBm ट्रांसमिट करता हूँ, तो US में सिर्फ 27 dBm कर सकता हूँ मैक्सिमम। ये इनकी अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने डिफ़ाइन किया हुआ है। WLAN के ऑपरेशन की गाइडलाइंस ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये WLAN का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से काम करता है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, ये भी रेगुलेटरी बॉडीज ही डिफाइन करती हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ रेगुलेटरी डोमेन्स की, तो रेगुलेटरी डोमेन्स यही डिसाइड करता है कि कितना पावर जो है आउटपुट मैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर कंट्री में अपने WLAN डिवाइस से ट्रांसमिट कर सक रहा हूँ और वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो मेरे रेगुलेटरी डोमेन में अलाउड है, या मैं किस टाइप का एंटीना यूज़ कर सकता हूँ या किस टाइप के कनेक्टर्स यूज़ करता हूँ अपने वायरलेस सिस्टम में। तो ये सब रेगुलेट होता है रेगुलेटरी बॉडी से जो आपकी लोकल अथॉरिटी में होती हैं, जो आपकी लोकल रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। चलिए बात करते हैं 802.1x क्या होता है, 802.3af, AT क्या होता है, EAP एंड रेडियस क्या होते हैं। 802.1x होता क्या है, बेसिकली 802.1x इज एन ऑथेंटिकेशन आई वुड से मैकेनिज्म जो कि पोर्ट बेस एक्सेस कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं हम लोग वायरलेस यूजर्स के लिए जो यूज होता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपका एक पोर्ट है, सपोज कीजिए स्विच पोर्ट है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप कनेक्ट है इससे, ठीक है, और यहाँ से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सपोज करो ये इंटरनेट को जा रहा है आपका डेटा, तो ये जो है ये 802.1x जो है इस पोर्ट को यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं कि आपका ट्रांसफर डेटा, आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो ना हो पाए, ठीक है। और जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो, जब आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हो सर्वर को, वो देखता है कि हाँ आप जो है वो सही यूज़र हो, तो वो इस पोर्ट को ओपन कर देता है या खोल देता है, इसको आपका डेटा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो ये हाई लेवल में आपको बता रहा हूँ कि ये होता है कि आपका डेटा का जो है पोर्ट को आपको वो ब्लॉक और ओपन कर देता है, आपके डेटा ट्रैफिक को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सप्लिकेंट होता है, एक ऑथेंटिकेटर होता है, एक ऑथेंटिकेटर सर्वर होता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर। सो सप्लिकेंट जो होता है वो आपका एक लैपटॉप हो सकता है, उसके अंदर वाला सॉफ्टवेयर जो आपको वाईफाई कनेक्ट करवाता है, जो आपको SSID दिखाता है, वो एक डिफॉल्ट जो होता है वो आपके विंडोज की जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें डिफॉल्ट जो आपका होता है वो विंडोज का होता है।
नहीं तो आप इंटेल का अगर कार्ड होता है तो इंटेल का एक सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में मिलेगा, वो आपको वाईफाई से कनेक्ट करवाएगा, तो उसे हम सप्लीकेंट बोल देते हैं। ऑथेंटिकेटर होता है जो आपकी मिडल बॉडी होती है। सपोज करो जो आपका लैपटॉप है, या तो वो स्विच से कनेक्ट हो रहा है या फिर वो एपी से कनेक्ट हो रहा है एक्सेस पॉइंट से वायरलेस के, तो वो जो पार्ट होगा वो होगा हमारा ऑथेंटिकेटर, जो कि आपके ऑथेंटिकेशन को लेकर ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा, या वो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है या कोई ट्रिपल ए सर्वर हो सकता है। तो इसमें तीन बॉडी आ गई आपकी, यहाँ पर एपी आ गया, क्लाइंट आ गया एंड सर्वर आ गया। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा एपी को, एपी ने सर्वर को भेजा, सर्वर ने वापस एपी को भेजा और एपी ने एक्शन लिया। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीओई की। पीओई क्या होता है? पावर ओवर ईथरनेट। ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, 802.3AF, 802.3AT। ये एक्सेस पॉइंट को पावर देने के काम आते हैं। तो क्या होता है कि ये आपका एक स्विच है, इसके अंदर 24 पोर्ट स्विच लगा लो, ये आपके इसमें पोर्ट्स हैं। बेसिकली ये नॉर्मली पोर्ट जो होते हैं वो डेटा कलेक्शन के काम आते हैं, लेकिन जो पीओई स्विच होते हैं उसमें आप पावर भी दे सकते हो यहाँ से एपी को। तो एक पोर्ट से एपी को पावर भी जा रही है और डेटा भी जा रहा है। तो जब वो पावर 15 वाट आपकी निकलती है उस पोर्ट में से, उसको हम बोलते थे AF स्टैंडर्ड, और जब वो पावर 30 वाट होती है उसको हम बोलते थे AT स्टैंडर्ड। तो आज के जो भी एपीज आ रहे हैं लेटेस्ट जो है A11 AC जो एपीज हैं वो AT पावर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनमें ट्रांसमीटर जो है वो बहुत हैवी होता है, तो उसके लिए आपको पावर ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम AT यूज। तो अभी फिलहाल हाई लेवल आप यही समझिए कि दो स्टैंडर्ड होते हैं, AT जो है वो 30 वाट पावर देता है और 15 जो है जो AF है वो 15 वाट पावर देता है। अगला हम बात करते हैं ईप। ईप क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 802.1x इज अ मैकेनिज्म, ओके। उस मैकेनिज्म के अंदर ईप प्रोटोकॉल यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। ईप जो है वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, पीप होता है, टीएलएस होता है, टीटीएलएस होता है, सिम होता है। तो ये प्रोटोकॉल कैसा होता है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, आपको हाई लेवल समझ में आएगा। अभी पीप क्या होता है? जिसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करते हो, जैसे आप किसी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, आप अपना यूजर नेम भेजते हो, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालते हो, तो वो आपका यूजर एंड पासवर्ड सर्वर पे चेक करता है और फिर आपको अलाउ या डिनाई करता है। तो वो टाइप की ऑथेंटिकेशन को मैं पीप बोल देता हूँ। ईप टीएलएस वो होता है जहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं यूज करता, मैं सर्टिफिकेट यूज कर देता हूँ। सर्टिफिकेट बेस्ड आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। सर्वर पे सर्टिफिकेट होगा और आपकी क्लाइंट की सर्टिफिकेट रहेगा, तो जब ये सर्टिफिकेट मैच करेंगे तो ये ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद ईप टीएलएस में आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड भी यूज कर सकते हो और सर्टिफिकेट दोनों यूज कर सकते हो। ईप सिम में आप ये सिम बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है जो आपके मोबाइल में काम आती है, तो इसमें ये भी ईप सिम सपोर्ट करती है मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो ये प्रोटोकॉल हो गए जो कि 802.1x में यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको हाई लेवल बताया है कि कैसे काम करता है। तो ये वायरलेस आपका क्लाइंट है, उसके बाद एपी दे दिया मैंने और यहाँ पे रेडियस सर्वर दे दिया। जब मैं इसको रेडियस सर्वर बोलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब आपका क्लाइंट है, क्लाइंट से एपी तक आपका ईप पैकेट जाएगा, ईप प्रोटोकॉल यूज होगा क्लाइंट से एपी तक। जब पैकेट जो 1 दिखा रहा है यहाँ पे मैंने, वहाँ पे ईप जा रहा है। ईप टीएलएस हो सकता है, ईप पीप हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये एपी से रेडियस जाता है तो फिर ये रेडियस बन जाता है, ये पैकेट जो है वो कन्वर्ट होकर रेडियस का पैकेट बन जाता है, ठीक है। तो एक में क्या भेजा? उसने अपना यूजर नेम भेजा। दो में ये बोल रहा है कि अपना पासवर्ड बताओ, ठीक है। फिर ये अपना पासवर्ड जो है, क्लाइंट अपना पासवर्ड भेज देता है, वो पासवर्ड आपका रेडियस सर्वर पे चेक होता है। अगर वो पासवर्ड मैच करता है तो वो एपी को बोलता है कि ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको, आप इसको अलाउ कर दो एक्सेस रेडी। तो ये प्रोसेस होता है और ये आपको मैंने बताया 802.1x पीओई क्या होता है और ईप और रेडियस क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कोर्स में। तो
तो ये बेसिक नेटवर्किंग के मॉडल्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने सभी ने सीसीएनए जब किया होगा या आपको जब भी बेसिक नेटवर्किंग के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको दो मॉडल बेसिक मॉडल आपको जरूर पढ़ाए गए होंगे, जिसमें कि टीसीपी आईपी होता है और ओएसआई मॉडल होता है। तो बेसिकली ओएसआई मॉडल जो है वो एक उसको अगर आप डिटेल में समझेंगे तो ये एक रेफरेंस मॉडल होता है जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि जो आपके जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर के बीच में उसको डिफाइन करता है, ये स्टैंडर्डाइज करता है उसको। ठीक है, तो इसमें हमारी लेयर्स होती हैं ओएसआई में, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क लिंक, ट्रांसपोर्ट लिंक, सेशन लिंक, प्रेजेंटेशन एंड आपकी एप्लीकेशन। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये आपने बेसिक नेटवर्किंग में जरूर पढ़ा होगा, तो मैं आपको हाई लेवल इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। सो टीसीपी मॉडल में क्या किया गया है कि ओएसआई मॉडल को रेफरेंस देके जो डेटा लिंक और फिजिकल लिंक की जो लेयर है उसको लिंक लेयर बोल दिया गया है, और निक लेयर भी बोलते हैं उसको, और नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर बोल देते हैं यहाँ, और ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही रखा गया है, और एप्लीकेशन लेयर को जो ओएसआई में तीन लेयर होती थी एप्लीकेशंस प्रेजेंटेशन एंड सेशन उसको कंबाइन करके वन लेयर बना दिया गया। अब इसमें जो आपकी लिंक लेयर है जिसको मैं निक बोलता हूँ, उसमें मेरे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो है जैसे ईथरनेट हो जाता है, ठीक है, या वाईफाई आ जाता है, ठीक है, और जब ये लेयर ऊपर की तरफ हम नेटवर्क की तरफ जाते हैं तो हमारे पास राउटर और स्विचेस आते हैं, जैसे उसमें हम क्या चलाते हैं तो प्रोटोकॉल कौन से चलाते हैं, आईपी चलता है उसमें, आईजीएमपी चलता है, आईसीएमपी चलता है, आईपीसेक चलता है, रिप प्रोटोकॉल चलता है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। और जब हम किसी चीज को शो करना चाहते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास डीएनएस, डीएचसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी और एसएनएमपी और एसएमटीपी आते हैं, क्योंकि हम इससे आपकी एप्लीकेशन को शोकेस करते हैं, जैसे हम जब हम टेलनेट करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि आप क्या टेलनेट कर रहे हैं। अब डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका टीसीपी मॉडल के लिए। इसमें हमारे पास जो निक आता है, जो लिंक लेयर आती है, उसमें हमारे हब्स यूज हो जाते हैं, केबल्स यूज हो जाते हैं, जैसे आपकी RJ45 केबल्स होती है या Cat5 केबल होती है, या निक कार्ड हो गया, वायरलेस निक कार्ड हो गया, ये हमारे यूज होते हैं। तो नेटवर्क और इंटरनेट लेयर में आपके वही राउटर और स्विचेस और एलटी स्विचेस यूज होते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन में आपके फायरवॉल, टेलनेट हो गया, और प्रॉक्सी सर्वर्स और सर्वर्स यूज होते हैं। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड हैं आपके नेटवर्किंग के। तो अगर हम कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट के जो प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो टीसीपी यूडीपी आप उसका जवाब देंगे, और सपोज करो इंटरनेट लेयर पे क्या क्या डिवाइसेज होते हैं, तो राउटर स्विचेज ये आपकी इंटरनेट और नेटवर्क लेयर होती है। तो इस ये एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या क्या वेरियस डिवाइसेज एंड प्रोटोकॉल जो हैं वो ऑपरेट होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो पहले वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो एक्सेस मोड होते हैं वायरलेस के वो कौन कौन से होते हैं, हम वायरलेस को किस किस तरह से सेटअप और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके मोड होते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन WLAN, बाय।